Hello guys and welcome to Aficionado's Den where we stay in class. And guys, आज जो whisky मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है King Hawk Blended Scotch Whisky. ये एक बहुत ही recent launch है for the Indian market and this is a 1 liter bottle that I have which has been bottled at 42.8% ABV and ये 1300 रुपए की है in Gurgaon. तो इससे पहले कि हम इस के बारे में और बात करें, लेट मी गो अहेड एंड ओपन द बॉटल फॉर यू एंड पोर अ बिट ऑफ इट सो दैट ये विस्की थोड़ी खुल जाए. तो चलिए लेट्स गो अहेड एंड ओपन इट. दैट्स किंग हॉक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की फॉर यू. चलिए तो आप देख सकते हैं कि एक स्टॉपर के साथ आती है एंड इट हैज गॉट अ स्क्रू कैप टू इट. जैसा कि मैंने कहा कि एक 1 लीटर की बॉटल है एंड द कंपनी दैट ओन्स इट इज रॉबर्ट कासल लिमिटेड व्हिच इज अ स्कॉटिश कंपनी एंड दिस इज बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड. ये बॉटल्ड एट ओरिजिन है एंड इट इज इम्पोर्टेड बाय नाइट कैप वाइन्स एंड स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड. ये दिल्ली में अभी लॉन्च नहीं हुई है. वी आर होपिंग कि ये फेब्रवरी मिड तक या फेब्रवरी एंड तक दिल्ली में लॉन्च हो जाएगी. बट इट इज़ अवेलेबल इन गुड़गांव एंड एज आई टोल्ड यू इट इज़ अवेलेबल फॉर 1300 रुपीज इन गुड़गांव विच इज़ अ 1 लीटर बॉटल. सो दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द विस्की. अ वेरी रीसेंट लॉन्च, बॉटल्ड इन ओरिजिन, इम्पोर्टेड विस्की. और मैंने पिछले हफ्ते एक और इम्पोर्टेड विस्की का रिव्यू किया था विच इज़ वॉर्बलर. अगर आपने नहीं देखा तो आई विल पोस्ट द लिंक इन द आई बटन. यू कैन गो अहेड एंड वॉच इट. इट इज़ अ वेरी गुड विस्की इन माई ओपिनियन. और उससे पहले मैंने एक और विस्की का रिव्यू किया था विच इज़ अगैन एन इम्पोर्टेड विस्की विच वॉज अगैन अ 1 लीटर बॉटल विच वॉज ग्लेन सर्ज ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, जिसका भी मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगा. गो अहेड एंड वॉच इट. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड विस्की. तो चलिए, हैविंग सेड दैट, मुझे लग रहा है कि अब इसकी खुल चुकी है क्योंकि मुझे बहुत अच्छे अरोमाज आ रहे हैं इसके. तो चलिए लेट्स गो अहेड एंड टेस्ट इट एंड लेट्स सी व्हाट दिस विस्की हैज टू ऑफर. लेट्स गो. तो अगर मैं कलर की बात करूं तो एक गोल्डन सा कलर है इसमें. लेट्स गो अहेड एंड नोज इट. वाओ, वेरी नाइस. मुझे एक बहुत फेंट सा अल्कोहल का अरोमा आ रहा है बट स्टिल देर आर अदर अरोमाज दैट ओवरपावर दैट. मुझे ऑर्चर्ड फ्रूट्स का अरोमा आ रहा है, एक नटीनेस आ रही है ऑन द नोज, हल्का सा फज का अरोमा है. यस, अ फ्रूटीनेस इज देयर. नाइस, वेरी नाइस. चलिए लेट्स गो अहेड एंड टेस्ट इट. लेट्स सी व्हाट दिस विस्की हैज टू ऑफर ऑन द टेस्ट. अपफ्रंट स्वीट पैलेट है इसका, अच्छा पैलेट है, स्मूथ पैलेट है. आई कैन गेट द टेस्ट ऑफ फ्रूट्स इन इट, cooked fruits. Can get a bit of fudge in it, a bit of nuttiness on the palate. Vanillin, of course, is something that I can get on the palate. Let's go ahead and let's get on to the second taste. Let's see what this has to offer on the second taste. Chaliye. लाइट टू मीडियम बॉडीड है, वही फ्रूट्स का फ्लेवर है इसमें. एक हल्की सी ओकीनेस है, बहुत हल्की सी. वनिलिन का फ्लेवर है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं बट हल्का सा है इसमें वनिलिन का फ्लेवर. आई कैन गेट मोर ऑफ फ्रूट्स इन इट. यस, दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द विस्की. अ बिट ऑफ फज इज समथिंग दैट आई एम गेटिंग ऑन द पैलेट. यस, मीडियम फिनिश है इसकी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग फिनिश नहीं है.
चलिए लेट्स गेट ऑन टू द कंपैरेटिव टेस्टिंग एंड लेट्स सी व्हाट दिस विस्की हैज टू ऑफर द कंपैरेटिव टेस्टिंग आफ्टर एडिंग अ डैश ऑफ वाटर टू इट. चलिए बिफोर आई गो अहेड एंड टेल यू अबाउट द कंपैरेटिव टेस्टिंग लेट मी टेल यू कि इसमें कैरमल कलर एडेड है एंड इट जस्ट हैज़ स्कॉच विस्कीज मॉल्ट विस्कीज ग्रेन विस्कीज इन इट स्पेशली द हाईलैंड मॉल्ट विस्कीज प्लस देर आर अदर विस्कीज एज वेल विच हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड बट येस इट हैज़ गॉट हाईलैंड मॉल्ट विस्की. सो चलिए लेट्स गो अहेड एंड टेस्ट इट इन द कंपैरेटिव टेस्टिंग. अगर मैं कलर की बात करूं तो हल्का सा कलर जो है वो लाइट हो गया है बाय एडिंग अ डैश ऑफ वाटर टू इट बट बहुत ज़्यादा लाइट नहीं हुआ है. तो चलिए लेट्स गेट ऑन टू द नोजिंग. वो फ्रूट्स और वनीला का अरोमा जो है वो बहुत ज़्यादा खुल के आ रहा है. कुक्ड फ्रूट्स, एक हल्की सी ओकीनेस आ गई है इसमें. अरोमास खुल गए हैं बहुत ज्यादा आफ्टर एडिंग अ डैश ऑफ वाटर टू इट. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्ट. फ्रूट्स और ओकीनेस बढ़ गई है आफ्टर एडिंग अ डैश ऑफ वाटर. वनिलिन बहुत ज्यादा सबड्यू हो गया है. फज जो था जो मुझे पहले आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है इतना ज्यादा. Let's get on to the second taste. Yes, more or less the same thing. तो अगर मैं इस whiskey के aficionados report card की बात करूं तो on the price point I would give it a 9 and on the taste I would give it a 8.5. तो इस whiskey का aficionados number होता है 8.75. That's pretty much it about this whiskey. A good whiskey in my opinion. Drink it as it is on the rocks. Cocktails mein use ki ja sakti hai. Bahut zyada overpowering aroma ya flavor nahi hai. So it can be used in cocktails as well. That's pretty much it about this whiskey. So go ahead, try out this whiskey. It is a good whiskey in my opinion. At this price point in this segment, it is a good whiskey. But do drink responsibly and do not drink and drive. And as we say in Aficionado's Den, stay classy. And cheers.